नमस्कार दोस्तों, एक कदम सफलता की ओर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अपनी जो प्रीवियस ईयर की सीरीज चल रही है उसमें आज हम पॉलिटी का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और पॉलिटी की भी हमारी 200 क्वेश्चन की सीरीज है जो कि स्पेशल सीजीएल और सीएचएसएल के लिए है तथा अन्य एग्जाम के लिए भी यह महत्वपूर्ण रहेगी। पहला क्वेश्चन हमारा है कि उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिसने जिसके खिलाफ जो है स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया गया था। मतलब कि ऐसा उच्चतम न्यायालय का ऐसा कौन सा न्यायाधीश था जिसके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित किया गया था, वो भी स्वतंत्र भारत का अर्थात आज़ादी के बाद। तो वो हमारे जो हैं वो जस्टिस राम स्वामी हैं। ठीक, जस्टिस राम स्वामी जो थे इनके खिलाफ जो है महाभियोग पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2019 में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इंटरनेट एवं मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने आम चुनाव 2019 के लिए भारत के निर्वाचन आयोग को क्या पेश किया था। तो भारत के निर्वाचन आयोग को स्वैच्छिक आचार संहिता को पेश किया था, कब? 2019 के चुनाव के लिए। अगला क्वेश्चन कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है। तो देखिए, अनुच्छेद 44 जो है ये हमारा समान नागरिक संहिता संबंधित है। इसके विषय में हम डिस्कस करेंगे, तो इसका जब पोस्टमार्टम करते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए पोस्टमार्टम करने पर यह है कि अनुच्छेद 44 एक समान नागरिक संहिता से संबंधित है। अब अनुच्छेद 44 हमारा नीति निर्देशक तत्व में है। ठीक, अनुच्छेद 44 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है। उसके बाद फिर देखिए, अनुच्छेद 44 का कहना है कि राज्य के नागरिक के लिए पूरे भारत में एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। कौन करेगा? राज्य करेगा। किसके लिए? नागरिकों के लिए। फिर अगला है कि दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताइए। तो दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री जो हैं वो हैं सिरिमावो भंडार नायके। और इनके विषय में अगर हम देखें तो देखिए, सिरिमावो भंडार नायके जो है एक श्रीलंकाई राजनेता थी, मतलब ये श्रीलंका की जो है पहली महिला प्रधानमंत्री थी, और आधुनिक इतिहास में दुनिया की पहली गैर वंशानुगत महिला प्रमुख सरकार बनी थी। और कब बनी थी? 1960 में उन्हें श्रीलंका का प्रधानमंत्री चुना गया था, और उन्होंने तीन बार 1960 से 65, फिर 70 से 77 और फिर 94 से 2000 तक देश के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी थी। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार कहाँ से लिया गया है। तो देखिए, हमारा संविधान जो है उधार का एक थैला है जहाँ पे हर देश से जो है कुछ ना कुछ लिया गया था। तो ये जो है भारतीय संविधान अवशिष्ट शक्तियों का एक थैला है, ये हमारा कनाडा से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था? ये हमारा कनाडा से लिया गया था। इसके विषय में अगर हम चर्चा करें तो देखिए, कनाडा से क्या क्या लिया गया था। तो कनाडा एक मजबूत केंद्र के साथ संघ, यानी कि कनाडा से जो हमारा मतलब कि एक राज्य है, जैसे मतलब कि संघ की शक्तियाँ ज़्यादा मजबूत रहेंगी, वो चीज़ जो है ये हमारी कनाडा से ली गई है। फिर केंद्र में अवशिष्ट शक्तियों का निहित होना, मतलब सारी शक्तियाँ केंद्र में निहित होंगी, और केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार, ये सब जो है कनाडा से लिया गया है। फिर अगला क्वेश्चन कि वर्ष 1978 में कौन से संशोधन ने संपत्ति के अधिग्रहण, धारण और निपटान के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया। मतलब संपत्ति का अधिकार जो था इसको समाप्त कर दिया किस संविधान संशोधन से? तो वो हमारा था 44वां संविधान संशोधन। फिर अगला देखिए, भारत के किस भाग में केंद्र राज्य संबंध का उल्लेख किया गया है। तो जो हमारा भाग 11 है, भाग 11 जो है अनुच्छेद 245 से 255, इसमें जो है हमारा संघ राज्य क्षेत्र का या केंद्र राज्य संबंध का उल्लेख किया गया है। आगे देखिए, इसके विषय में देख लीजिए कि अनुच्छेद 11 जो है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर सेंटर स्टेट रिलेशन, मतलब कि जो अनुच्छेद भाग 11 है अनुच्छेद 245 से 255 तक, इसमें जो है संघ राज्य के संबंधों का वर्णन
किया गया है। द सेंटर स्टेट रिलेशंस आर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट, मतलब केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध है इसको तीन भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? लेजिस्लेटिव रिलेशन जो हमारा है वो 245 से 255 है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन ये हमारा 256 से 263 है, और फाइनेंशियल यानी वित्तीय जो रिलेशन है वो 268 से 293 के बीच में है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुक्ति कानून की सहायता को बढ़ावा देता है? तो जो हमारा अनुच्छेद 39A है ये सभी के लिए समान न्याय प्रक्रिया बताता है कि सभी के लिए कानून समान है और सभी के लिए न्याय समान होगा। जैसे अगर पोस्टमार्टम करें इसका तो क्या हो जाएगा कि अनुच्छेद 39A सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुक्त कानून की व्यवस्था को बढ़ावा देता है। फिर अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों के बारे में बताता है, तो अनुच्छेद 32 को ही जो है अनुच्छेद 32 क्या बताता है संवैधानिक उपचारों के बारे में। उसी तरह अनुच्छेद 43A बताता है हमारा भारत के संविधान का अनुच्छेद 43A उपयोगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी से संबंधित है। वहीं 48A की बात करें तो पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार और वनों और वन्य जीव सुरक्षा के से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद कौन सा है जो चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधान सभाओं के चुनाव की निगरानी की शक्ति देता है? तो जो हमारा जो है अनुच्छेद 324 है ये हमारा जो है निर्वाचन आयोग से संबंधित है। और आगे अगर इसके विषय में चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन क्या है कि लोकसभा में नामित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? मतलब राष्ट्रपति लोकसभा में दो सदस्यों को मनोनीत कर सकता है जो कि क्या है एंग्लो इंडियन हो। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है कि 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित मुद्दों पर निर्णय कौन लेता है? तो जो 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के सदस्यों की योग्यता है कि उनकी योग्यता कैसी है कैसी नहीं या अयोग्य हैं, तो उसका जो निर्णय लेता है वो अध्यक्ष लेता है, लोकसभा अध्यक्ष लेगा। ठीक, अगला देखिए, एक ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधि का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो जो ग्राम पंचायत होती है इसका जो है कार्यकाल 5 वर्ष होता है। वहीं आगे हम देखें तो ग्राम पंचायत के विषय में देखिए, एक ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। पंचायत राज प्रणाली देश भर में 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से पेश किया गया था, मतलब अनुच्छेद 73 और 74 में पंचायत राज प्रणाली को शुरू किया गया था। पंचायती राज संस्थानों के चुनाव अनुच्छेद 243 के तहत गठित राज्य चुनाव आयोग द्वारा किए जाते हैं। वहीं अगली आगे बात करें तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधान के बारे में बताता है? तो जो अनुच्छेद 61 है हमारा ये जो है राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग को प्रस्तुत करता है। वहीं और आर्टिकल देखें तो अनुच्छेद 54 जो है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति के चुनाव को अनुच्छेद 54 बताता है। वहीं अनुच्छेद 51 प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति के बारे में जो है अनुच्छेद 51 बताता है। वहीं जो है उप राष्ट्रपति के विषय में हमारा अनुच्छेद 63 बताता है और अनुच्छेद 61 बताता है कि राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया क्या है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में पहली बार किस वर्ष में संशोधन किया गया था? तो सबसे पहले संशोधन 1951 में किया गया था, और क्यों किया गया था उसको देखिए कि प्रथम संवैधानिक संशोधन 1951 में हुआ था। इसमें बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग, जमींदारी उन्मूलन, कानून का वैधीकरण और समानता के अधिकार को अधिक स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था। यह संशोधन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 10 मई 1951 को पेश किया था, जिसे संसद ने 18 जून 1951 को पारित किया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये बताता है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा? तो जो राज्यपाल के विषय में बताता है वह अनुच्छेद 153 बताता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। आगे देखिए कि अनुच्छेद 151 जो है वो कैग से संबंधित है, और वहीं 152 जो है वो डिफिनीशन ऑफ स्टेट यानी कि राज्य की परिभाषा बताता है, और अनुच्छेद 153 हमारा मतलब गवर्नर ऑफ स्टेट यानी कि
राज्य के राज्यपाल के विषय में बताता है, और आर्टिकल 154 जो है वो राज्यपाल की शक्तियों के विषय में बताता है। ठीक, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे लोकप्रिय कक्ष या पॉपुलर कक्ष कहा जाता है? तो जो हमारा लोकप्रिय सदन है वो हमारा जो है लोकसभा है, चाहे इसको लोकप्रिय सदन कहें चाहे जनता का सदन कहें। ठीक, तो ये चीज है। आगे देखिए, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद एक नए राज्य के गठन का प्रावधान करता है? तो भाई सब जानते हैं कि हमारे जो राज मतलब कि हमारा जो संविधान है उसमें अनुच्छेद 3 में कहा है कि अगर सरकार चाहे तो नए राज्यों का गठन कर सकती है, और एक साधारण बहुमत से जो है यह गठन होता है। आगे देखें कि इसके विषय में क्या है कि संघ का नाम और क्षेत्र, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, नए राज्यों का गठन और क्षेत्र सीमाओं में परिवर्तन या नाम में परिवर्तन, व्यक्तियों को स्वेच्छा से एक विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करने का करना नागरिक नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हमारी बताई जाती हैं ये किस में बताई जाती हैं? अनुच्छेद 1 से लेकर के 3 में बताई गई हैं। फिर वहीं आगे देखें तो क्या है कि नियम लोकसभा में व्यापार की प्रक्रिया और आचरण का नियम संसद के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव को शामिल नहीं करता है, इसलिए इस नियम के तहत मामले पर चर्चा के बाद कोई मतदान नहीं हो सकता है। ये जो है कौन सा नियम बताता है? तो नियम 193 जो है इसमें ये चीज़ बताई गई है कि लोकसभा में व्यापार की प्रक्रिया और आचरण का नियम संसद के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव को शामिल नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये लिंक दी गई है जो हमारी जो है पीछे की और क्लासेस हैं उनकी लिंक है, आप यहाँ पर क्लिक करके जो है जा सकते हैं पीछे। फिर देखिए, अनुच्छेद 158 बताता है वोटिंग ऑफ डिवीजन यानी कि बंटवारे के लिए वोट बताता है। उसी तरह 186 बताता है मतलब एडमिसिबिलिटी ऑफ मोशन, और वहीं 149 बताता है प्रोसीजर ऑफ कॉन्सेप्ट कॉन्सिक्वेंट ऑन डिस्पोजल ऑफ एमेंडमेंट्स बाई काउंसिल, और 193 बताता है नोटिंग फॉर रेजिंग डिस्कशन। ठीक, आगे देखिए, भारतीय संसद के संदर्भ में शून्यकाल क्या है? तो शून्यकाल देखिए, जब संसद में जो है सत्र चलता रहता है तो उसमें जो प्रश्नकाल होता है, प्रश्नकाल के तुरंत बाद का जो समय होता है उसे शून्यकाल कहते हैं। ठीक, आगे, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इस पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? तो जब कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका अंतिम निर्णय अध्यक्ष करता है, जो लोकसभा अध्यक्ष होगा वो यह निर्णय करेगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं। देखिए, अनुच्छेद 110 क्या बताता है कि मनी बिल कैन बी ओनली बी प्रेजेंट इन लोकसभा एंड नॉट राज्यसभा, मतलब जो हमारा वित्त विधेयक होता है ये लोकसभा में प्रस्तुत होता है, ये राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं हो सकता। उसके बाद, द डिसीजन ऑफ वेदर ए बिल इज ए मनी बिल और नॉट इज टेकन बाई स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड इज प्रेजेंटेड इन हाउस द प्रियर परमिशन टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब कोई विधेयक जो है वो वित्त विधेयक है अथवा नहीं इसका निर्णय लोकसभा स्पीकर यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष करता है, और यह जो है परमिशन टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और भारत के राष्ट्रपति की अनुमति लेकर के की जाती है। वहीं देखें तो राज्यसभा हैज़ लिमिटेड पावर रिगार्डिंग टू मनी बिल एंड देयर इज नो प्रोविजन टू ऑफ ज्वाइंट सेटिंग फॉर मनी बिल्स, मतलब कि राज्यसभा के पास जो है एक निश्चित शक्ति है मनी बिल के लिए, और इसको जो है संयुक्त बैठक में डिस्कस नहीं किया जा सकता। ठीक, नमस्कार दोस्तों, फिर ये रही हमारी सीरीज, और ये सीरीज हमारी लगातार जो है चलती रहेगी, 200 क्वेश्चन की सीरीज है, और जितने भी आज तक के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो चाहे CAGL के हों, CHSL के हों या अन्य कंपटीशन के हों, तो सारी चीज़ें आपको इसमें समाहित मिलेंगी। और फिजिक्स और स्टैटिक GK का दोनों पार्ट हमारा जो है बड़ा है, आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, और मैं आशा करता हूं कि आप ये सीरीज जो मैं स्टार्ट किया हूं ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। धन्यवाद, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए।